स्टूडेंट्स, इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटरेचर। अब तक मैं आप लोगों को पीछे वो ग्रामर कोर्स करा रहा था, इस क्लास में हम लोग लिटरेचर की बात करें और लिटरेचर में भी स्पेशली प्रोज की बात करेंगे। प्रोज द फर्स्ट चैप्टर है आपका एनचांटेड पूल। एनचांटेड पूल है ये स्टोरी है फ्रॉम महाभारत। इसके राइटर है कौन? सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य इसके जो राइटर है
जो चैप्टर है जिसके बात कर रहे थे आपसे, मैं आपसे बात कर रहा था अभी, एनचांटेड पुल, जिसके राइटर हैं सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपाल वॉज बॉर्न इन 1878। ये आपको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको याद रखनी चाहिए सब चीज़ें। अगर आप इसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, इफ यू गिव द इंट्रोडक्शन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में आप आंसर लिख रहे होते हैं इसमें इंट्रोडक्शन राइटर का दे रहे होते हैं, इट मीन्स इट हैज अ डिफरेंट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर डिफरेंट इंप्रेशन होता है। तो राइटर का इंट्रोडक्शन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप राइटर के बारे में जरूर लिखें। उसमें पीछे लास्ट क्लासेज में पीछे आप बताता रहा हूँ कि राइटर के बारे में लिखना, राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सी राजागोपाल आचार्य की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1878, उनका जन्म हुआ। वो वास्तविक गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, बट कुछ चीज़ों पर, कुछ पॉलिसीज पर उनके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, उनसे अलग थे थोड़े से। तो ही वॉज लास्ट गवर्नर रहे उसके इंडिया के, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो लास्ट गवर्नर थे। एंड वो चीफ मिनिस्टर रहे मद्रास के, एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे, पॉलिटिशियन रहे, लॉयर रहे, बहुत बड़े लॉयर थे एंड राइटर थे। एंड गांधी जी कॉल्ड इन द कीप ऑफ द माई कंसाइंस, गांधी जी उनको कहते थे कि वो कीप ऑफ माई कंसाइंस है, मेरे आत्मा को बनाए रखने वाले, जो उन्होंने एक पावर देने वाले मानते थे उनको। उन्होंने क्योंकि सीधे जो अपने बहुत रिलीजियस पर्सन, ही हैड स्टडीड द उपनिषद और वेदास रिलीजियस बुक, उन्होंने सी राजागोपालाचार्य ने जो हमारे क्लासिक्स हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो वेद हो, उनको पढ़ा है, उनको ट्रांसलेट किया है, उनको लिखा है। एंड ही वॉज रियली अ ग्रेट पर्सन फॉर इंडिया एंड ही हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू गिव द फ्रीडम टू इंडिया। एंड ही वॉज बॉर्न इन सालेम डिस्ट्रिक्ट का है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ही वॉज कॉल्ड, लोग उनको प्यार से क्या कहते थे, राजा जी, तो प्यार से राजा जी कहा जाता था उनको। एंड ही वॉज ए ग्रेट फेमस लॉयर, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे एंड राइटर थे। लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड उनको भारत रत्न मिला उनके काम के लिए। एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी उसका नाम था। एंड ही हैड बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, वो चीफ मिनिस्टर रहे कहाँ के, मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। गांधी कॉल्ड इन कीपर ऑफ माई कंसाइंस एंड डाइड ऑन 25 दिसंबर 1972। इसमें एनचांटेड पूल में जो उन्होंने स्टोरी लिखी है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम महाभारत, एपिक महाभारत। जो महाभारत के बारे में आई थिंक आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, टीवी में सीरियल आ रहा था बहुत पहले, अब भी आ रहा है, सीरियल आता है, आप लोग देखते होंगे, आपको आइडिया होगा इस स्टोरी के बारे में। ये महाभारत एक युद्ध था किसके बीच में, कौरव और पांडव के बीच। कौरवों के बारे में कहा जाता कि देवर हंड्रेड थे, लेकिन उसमें माना जाता है कि दो उसमें कर्ण और विकर्ण जो थे उनके भाई, वो उनकी साइड नहीं थे, कौरवों की साइड में नहीं थे, वो अलग थे। एंड जो इसमें लीडर रहे लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण, जिन्होंने उसमें उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया पूरे महाभारत में। इसकी बात करें तो जो लड़ाई थी, असली जो लड़ाई थी वो राजधानी को लेकर थी, युवराज को लेकर के थी। और लास्ट क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे तो धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, धृतराष्ट्र अंधे थे। तो जो ऋषि मुनि थे या बाकी लोग थे जो एडवाइजर थे, कृपाचार्य या द्रोणाचार्य की बात करें या दूसरे लोग जो थे, उन्होंने एडवाइस किया, इसमें जो
माना जाता है कि राजनीतिकार थे, जो सबसे बड़े विचारक थे, जो एडवाइजर थे, वो थे विदुर। विदुर को कहा जाता है। तो सब लोगों का ये विचार हुआ कि जो राज है, जो युवराज है, राजा जो बनाया जाना चाहिए वो पांडवों को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र कैसे हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, वो कुछ देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा गया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु की दो पत्नियां थीं, जो बड़ी थीं उनका नाम था कुंती और जो छोटी थी उनका नाम था माद्री। माद्री नाम था, मदर जो नरेश थे उनकी डॉटर थी, नरेश की, इसलिए उनको माद्री कहा गया। कुंती और माद्री दो वाइफ थी, दो जो दो छोटे नकुल और सहदेव थे वो माद्री की संतान थे, और जो तीन माना जाता है जो बड़े हैं वो कुंती के थे, उसमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। हालांकि उससे पहले की कहानी को हम के बारे में डिस्कस करें तो कर्ण का नाम भी आता है। कर्ण जो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, उनको उनके जैसा तीरंदाज कहा जाता है कि वो अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे। तो वो भी कौनते थे, उनके शादी से पहले उनका जन्म हुआ, सूर्य उनके कृपा से जो भी आशीर्वाद उनको मिला। तो ये एन्चांटेड पुल में जब ये स्टेट, जब पूरा राज्य डिवाइडेड किया गया, हस्तनापुर को डिवाइडेड किया गया, तो अलग अलग स्टेट बनाए गए। हस्तनापुर हिस्सा में आया धृतराष्ट्र के, उनको अलग राज्य दिया गया। लेकिन जो दुर्योधन था, जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उनका नाम था गांधारी। गांधार जो अब तो कंधार जिसे अफगानिस्तान में कहा जाता है, अफगानिस्तान तो उसके समय तक भारत का बॉर्डर था, भारत की सीमाएं थी, भारत का राज्य था, तो गांधार था। तो जो शकुनी था, जो गांधारी का भाई था, वो साथ में जब शादी हुई तो तभी वहां से आया, और अंत तक जब तक पूरा कौरव खत्म नहीं हो गए पूरे, तब तक उसकी डेथ जो हुई महाभारत में हुई, एंड वो जब तक वापस नहीं गया। एंड उसके बारे में कहा जाता है, शकुनी के बारे में कहा जाता है कि उसे जुआ खेलने का बहुत शौक था। पासे पहले पासे खेले जाते थे, वो कड़ी होती थी कौड़ी, आपने महाभारत देखा हो तो उसमें वो पासे ऐसे फेंकते हैं, वो छः मांगते हैं, चार, दो, तीन, कुछ ऐसा कुछ होता है, आपस में देखें तो। तो जब इंद्रप्रस्थ बन गया, इंद्रप्रस्थ को जो पांडवों ने बनाया और इंद्रप्रस्थ को देखा, तो दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं ये लालच आया कि इंद्रप्रस्थ को भी वो लेना चाहता। इंद्रप्रस्थ बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया सेठ था, बहुत सुंदर कहा जाता है, ऐसा बयान था कि जो शकुनी ने एडवाइस किया दुर्योधन को कि वो पांडवों को चौसर, जिस चौसर बोला जाता है, जुआ एक तरीके से होता है, चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। दुर्योधन धृतराष्ट्र की तरफ से मैसेज भिजवाते हैं पांडवों को कि उन्हें चौसर खेलने के लिए इनवाइट किया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज कॉल्ड धर्मराज, उनको धर्मराज कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, केवल एक बार झूठ बोला। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भी हिंदी में कहें तो उसे अर्ध सत्य से कहा गया। जब वो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसा कोई था नहीं, धर्मदूत नहीं था, कोई योद्धा नहीं था उनके जैसा, जो सब कुछ सिखाया, जो शिष्य थे सारे गुरु द्रोणाचार्य के थे, कृपाचार्य से नीति ज्ञान मिला, विदुर से नीति ज्ञान मिला, पांडवों को भी और कौरवों को भी, पांडवों ने उन चीज को ग्रहण किया और जबकि कौरवों ने, दुर्योधन ने उस चीज को ग्रहण नहीं किया। तो एट लास्ट जो जब महाभारत चल रही थी, युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला और वो भी आधा झूठ बोला, जिसको अर्ध सत्य कहा गया। तो उनके द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत चाहते थे, केवल
द्रोणाचार्य को कोई चीज विवश कर सकती थी उनके हथियार रखने के लिए, तो उनके शस्त्र अस्त्र रखने के लिए, तो केवल अश्वत्थामा की जो मौत थी वो वही विवश कर सकती थी। तो क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि उसके सिर में मणि थी और वो अमर थे, उसकी कभी डेथ नहीं हो सकती थी। जब एट लास्ट भगवान कृष्ण ने एडवाइस दी, तो जाकर वो उन्होंने शोर मचाया कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था सेना में, युष्ट की उनकी पूर्व सेना में अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको भीम अपनी गदा से मार गिराते हैं, शोर मचाते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो उन्हें किसी का विश्वास नहीं था द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वास्तव में जो भीम कह रहा है वो सच है, क्या अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने संस्कृत में बोला, अश्वत्थामा हतो हंता नरो नहीं मगर कुंजन। कुंजन मीन्स हाथी, नर नहीं मगर कुंजन। अश्वत्थामा हतो हंता, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं आदमी नहीं मगर कुंजन, हाथी मारा गया। जो लास्ट के सब थे वो बहुत आराम से बोले और बाकी सब लोगों ने शोर मचा दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र रख दिया और उनकी डेथ हुई। ये तो उसके महाभारत का किस्सा हुआ। उसी में से जब चौसर खेला गया, तो चौसर में सब कुछ, जो युधिष्ठिर जो है वो सब कुछ हार जाते हैं, अपना राज हार जाते हैं, सेना स्टेट पूरी हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपने भाइयों को हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाव पर लगाया जाता है और द्रौपदी का उसमें भरी सभा में चीरहरण होता है जो आपने देखा होगा, उसके वस्त्र उतारने की कोशिश की जाती है। एंड लास्ट में यह होता है कि पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फेस करना है। और अगर इस दौरान वो उनको ढूंढ लिया गया, अज्ञातवास में अगर उनको ढूंढ लिया गया, तो उनको दोबारा से फिर 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो पांडवों ने बहुत सफ़र किया। ये जो राजा गोपालाचार्य ने जो कहानी लिखी है, जो टेल ली है, जो स्टोरी ली है, ये महाभारत को उसी किस्से से ली है जब पांडव वनों में भटक रहे थे, तो प्यास लगती है, पहले पानी ढूंढने के लिए एक पुल तालाब होता है जिसको एनचांटेड पुल कहा है श्री राजा गोपालाचार्य ने। पहले सहदेव जाता है, फिर नकुल जाता है, फिर अर्जुन जाता है, फिर भीम जाता है और एट लास्ट फिर युधिष्ठिर। उस पुल पे यमराज जो है यक्ष का, क्योंकि पहले कहा जाता है रामायण में देखे हैं, महाभारत में देखे हैं, लोग अपना जो गैस्ट था, जो भेष था, उसको चेंज कर लेते हैं। यमराज यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं एंड बिकॉज ही वॉन्ट टू चेक द इम्पार्शियलिटी ऑफ द नॉलेज, इम्पार्शियलिटी एंड नॉलेज ऑफ युधिष्ठिर, ही वॉन्टेड टू चेक दैट ही इज कॉल्ड धर्मराज। एग्जैक्टली ही इज इनफैक्ट धर्मराज और नॉट, वो धर्मराज है भी या नहीं भी, या लोग उनको ऐसे धर्मराज कहते हैं। वो यक्ष का रूप धारण करते, पहले सहदेव आते हैं जो उस मैदान में जहाँ पुल तालाब होता है, पहले लोग आज की तरह तो आर ओ सिस्टम तो नहीं था, घर घर में आर ओ सिस्टम लगा हो, पर लोग तालाब से नदियों का पानी था, साफ होता था, शुद्ध होता था, लोग नदियों का पानी पीते थे, नहर का पानी पीते थे, क्योंकि आज की तरह इंडस्ट्रीज नहीं थी, इससे केमिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी, केमिकल निकलने वाली फैक्ट्रीज नहीं थी। आज हम यमुना जी की बात करें, आप दिल्ली में जाएं, दिल्ली यमुना जी बह रही हैं, पानी देखिए कितना गंदा होता है। अब तो पीछे से पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी आ रहा है, अब तब भी फिर भी साफ है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज बंद हैं इस वजह से। अदरवाइज आप गर्मी मौसम में देखिए, जब पानी बहुत कम होता है उस टाइम पर देखो, केवल कीचड़ होती है, बिल्कुल गंदा, बहुत गंदा पानी होता है। तो उस पानी लेने के लिए सबसे पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम और एट लास्ट वो खुद आते हैं। वो जो पुल होते हैं
जो तालाब होता है वहाँ पर जो यमराज हैं वो यक्ष के रूप में होते हैं, वो वार्निंग देते हैं संस्कल नकुल को कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक इस पॉन्ड से, इस पूल से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है और आई एम ओनर ऑफ दिस पूल, मैं इसका मालिक हूँ, और मेरे आंसर विदाउट गिविंग आंसर फॉर माई क्वेश्चन यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड और पूल, यू विल हैव टू आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऑफ माई आंसर, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट, पछताना पड़ेगा, यू विल बी गेट डाइड, मारे जाओगे बिना वजह। बट क्योंकि वो योद्धा थे नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन की हम बात करें तो बड़े योद्धा थे, वो उसकी बात को अवॉइड कर देता है, उसकी बात को नहीं सुनता है, एंड जैसे ही पानी में पीने के होता है ही बिकेम अनकॉन्सियस, बेहोश हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो वन बाई वन सारे आते हैं पानी लेने के लिए, और वन बाय वन होता क्या है कि बिना आंसर दिए सहदेव भी इसी काम करते हैं, फिर अर्जुन आते हैं, अर्जुन भी उसी काम करते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मेरे सामने कौन कोई क्या है, भीम आते हैं तो वो भी उसी काम करते हैं कि मेरे सामने कोई क्या है, और एट लास्ट जो है युधिष्ठिर आते हैं, और एक जहाँ से कोई आदमी दिखाई नहीं देता है एक आवाज़ आती है कि विदाउट गिविंग द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर, अदरवाइज यू विल बी ले डाउन लाइक योर ब्रदर, जैसे तुम भाई पड़े हैं तुम भी ऐसे ही पड़े हैं। युधिष्ठिर केम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ यक्ष, एंड ही होप, वो आके पहले रोते हैं, बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं कि हमने कसमें खाई थी, जो वादे किए थे, जो हमने द्रौपदी को वचन दिया हुआ है कि हम जो कौरव है उनका अंत करेंगे, जो प्रोमिसज किए हुए हैं वो सारे बात, जो सारे प्रोमिसज हैं वो सारे कैसे हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, बहुत देर तक रोते हैं, बहुत देर तक विलाप करते हैं, रोते रहते हैं। एटलास्ट उनको बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो वो मजबूरी में उस पूल में, उस पॉन्ड में एटलास्ट उतर जाते हैं, जैसे ही पानी पीने के लिए उतरते हैं, पानी को हाथ लगाते हैं तभी आवाज़ आती है, सावधान, इफ यू वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर द फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल बी लेट आउट जस्ट लाइक योर ब्रदर्स, या तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो नहीं तो तुम भी किसी तरह लेटे हुए होगे, अपने भाइयों की तरह यहाँ पर लेटे हुए हो। युधिष्ठिर कैन टू अंडरस्टैंड, उनको समझ में आ जाता है कि ये इट वॉज अ यक्ष, कि ये कोई कौन है, यक्ष है, एंड ही हैड अ होप टू अलाइव हिज ब्रदर्स, उसे उन्हें एक उम्मीद लगती है कि शायद उनके जो भाई हैं वो क्या हो सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं। इफ ही आंसर्स हिज क्वेश्चंस एंड वो के क्वेश्चंस के वो आंसर भी उनको देते हैं, एंड इस स्टोरी में पूरी में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के वो आंसर युधिष्ठिर देते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर केवल कौन देते हैं, वो युधिष्ठिर देते हैं, आंसरों के क्वेश्चन का आंसर देते हैं उनको, एंड उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं उनसे, एंड उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी दूसरी चीज़ों के बारे में, उनकी दूसरी अलग चीज़ें हैं उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो धर्म के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन प्रोडक्ट किए जाते हैं, तो केवल युधिष्ठिर हैं वही आंसर दे सकते हैं, जो इस स्टोरी में पूरे कहानी में जो श्री राजा गोपालाचार्य ने लिखी है, वो पूछते हैं सबसे बड़ा सत्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन क्या है, ही आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एंड युधिष्ठिर पेशेंसली आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और यक्ष को समझ में आता है कि वास्तव में धर्मराज हैं, एट लास्ट वो जब उनके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एट लास्ट वो पूछते हैं कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, तो तुम किसको चाहते हो, किसको जिंदा होना चाहिए,
वो एक सेकंड के लिए सोचते हैं, फिर कहते हैं वो अपने भाई को नकुल को कि वो जिंदा होना चाहिए। तो पूछते क्यों, यक्ष कहते हैं कि तुमने उसको क्यों नहीं छुना। भीम को कहा जाता है कि भीम में 16,000 हाथियों का बल है ऐसा माना जाता था। 16 बहुत, 16,000 हाथियों का बल होना, 16 हाथियों का बल होना आदि बहुत ज्यादा होता है। 16,000 बहुत ज्यादा है अपने आप में। तुमने भीम को, और अर्जुन जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, जो सबसे बड़ा, जो तुम्हारे सेफ्टी करने वाला है, जो कोई कोई है तो वो अर्जुन है, तो उनको क्यों नहीं मांगा। तो कहते हैं कि कुंती एंड माद्री द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, देर इज अ डिमांड ऑफ धर्म, धर्म की डिमांड, ऑफ ड्यूटी डिमांड, धर्म की डिमांड है कि एक भाई, एक पुत्र जो है वो कुंती का जीवित है तो एक माद्री का जीवित होना चाहिए, इसलिए तुम एक उसके पुत्र को जीवित कर दो। तो हियरिंग दैट आंसर, यक्ष वाज सो प्लीज एंड ही अलाइव हिज ऑल ब्रदर्स। यक्ष वाज सो प्लीज विद द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर, उनके निष्पक्षता से बड़े खुश होते हैं, एंड उनके सारे भाइयों को वो अलाइव जीवित कर देते हैं। तो दिस इज द स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। जिस्टर वेटेड फॉर हिज ब्रदर एंजाइटी एंड थर्ड। जिस्टर जो है अपने भाइयों का इंतजार करते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वन बाय वन जाते हैं, पहले कौन जाता है, सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, एट लास्ट वो खुद जाते हैं, व्यर्थ होते हैं। हैव दे बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल द वॉन्डरिंग अबाउट इन ए फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। तो सोचते कि क्या वो किसी कर्स से, किसी कोई ऋषि मुनि, कोई ऐसा संत मिल गया हो जिन्होंने कोई श्राप दे दिया हो, या कुछ हो गया हो, कुछ मिसहैपनिंग हो गई हो, अनफॉर्चुनेटली कोई घटना घट गई हो, या सब्जेक्टेड अबाउट द वॉन्डरिंग सर्च ऑफ वाटर, या वो अभी तक कहाँ घूम रहे हैं, पानी की, पानी ढूंढते हुए घूम रहे होंगे, क्या कुछ ऐसा है। हैव दे फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या तो प्यास से क्या हो गए हैं वो, बेहोश हो गए होंगे, या थर्स्ट है, बेहोश हो गए होंगे, या डाइड हो गए, मर गए होंगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट, जब आदमी परेशानी में होता है तो उसके मन में डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आ जाते हैं, ख्याल आते हैं, तो युधिष्ठिर के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और एट लास्ट वो भी खोज में चलते हैं। तो अनेबल टू बियर दीज थॉट, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं थॉट को, जो मिस हैपनिंग, जो अनफॉर्चुनेटली जो जो उनके मन में आइडियाज आ रहे थे, जो उनको लग रहा था कुछ है मिस हैपनिंग ना हो गई हो, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत प्यास भी लग रही थी, इसलिए अपने भाइयों को ढूंढने वो निकल पड़ते हैं। ही गेव अप वेडिंग, इंतजार करना छोड़ते हैं, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और निकल पड़ते हैं अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। एंड द फूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड ही वेंट टू दैट साइड, दैट साइड हिज ब्रदर्स हैड गॉन बिफोर सम टाइम। वो उसी दिशा में जाते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में उसके चारों भाई गए थे, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, वन बाय वन जाते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हुए उस साइड में जाते हैं। जिस प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर भी उसी साइड में जाते हैं जिस साइड में उनके भाई गए होते हैं। एंड कैप्ट वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन। वो जहाँ से निकल रहे होते हैं, बियर्स होते हैं, आलू होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, फुल ऑफ वाइल्ड बियर होते हैं, स्पॉटेड डियर्स होते हैं, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स होती हैं, टिल ही केम अपॉन। ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो, एक ग्रीन मीडो होता है, खुला एक चरा घास होता है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, उस खुले में आ जाते हैं ग्रीन मीडो। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, उसके बिल्कुल बीच में एक पानी का तालाब है जो बिल्कुल क्लीन वाटर था,
पानी से भरा हुआ था, बट देन ही सॉ ब्रदर्स लाइंग देयर द लाइट फ्लैग पोल्स, और वहीं जो उनके भाई हैं वो फ्लैग पोल्स पर लटक तरह जो लकड़ी होती है उसकी तरह लेटे हुए थे, और चारों डैड थे, उनमें कोई भी निशान नहीं था, लाइफ नहीं थी, फ्लैग पोल्स की तरह थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को इस जो भाइयों की डैथ है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, एंड बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं हिज ग्रीफ, एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, बुरी तरीके से वो सब बातें याद आती हैं उनको जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, जो उनके साथ में दुर्योधन ने किया था, वो सब कुछ को याद आता है। और जो उन्होंने कसम खाई थी, भीम ने कसम खाई थी, अर्जुन ने कसम खाई थी, उन्होंने खुद जो कसम नहीं खाई थी, जो कसम उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसको खत्म करने के लिए कसम खाई थी, वो सब उनके लिए यूजलेस लगती है युधिष्ठिर को, क्योंकि उनके भाइयों में से कोई भी जिंदा नहीं था। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वन बाय वन उनके फेस को टच करते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन उनमें कोई लाइफ नहीं थी। अर्जुन एट द सेम एंड दे से सो स्टिल साइलेंट एंड मौन, बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए थे, मौन पड़े हुए थे, एंड वे वांट दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वॉर्स, वो कहते हैं क्या यही था, यही तरीका है, या इस तरीके से एंड होना था, जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा एक्साइल है, वनवास है, वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। You have been taken away. तुम इस समय मर ये छोड़कर चले गए। Even the gods have forsaken me with my misfortune. God as भगवान ने इस हालत में क्या छोड़ दिया है, उनको अकेले छोड़ दिया है। तो बड़े दुखी होते हैं हम चारों को देख करके, और सिर पर उठा करके रोते हैं बहुत देर तक, पूछते हैं कि क्या यही तरीका है, क्या उनका जो कृष्ण हुआ था उनके साथ अन्याय हुआ था, जो द्रौपदी के साथ हुआ था, जो उन्होंने जो राजधानी जो सपने में उनके साथ जो छल किया था, जो कसमें उन्होंने की थी, क्या इन सब का अंत इसी तरीके से होना था। तो बड़े दुखी होते हैं, अपने भाइयों को देख करके बड़े रोते हैं। इन दिस स्टोरी आई हैव टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द राइटर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द अदर थिंग्स अदर थिंग एंड यू शुड रीड द कम्प्लीट स्टोरी एंड आई विल गिव यू द क्वेश्चन नॉट फ्रॉम जो क्वेश्चन विच हैव बीन गिवन योर बुक, जो बुक में दिए गए हैं वो नहीं, उससे अलग डिफरेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। तो जस्ट रिवाइज रीड द स्टोरी एंड जो स्टोरी बची है इन नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल टीच यू। ओके।